सरकार ने तेल नहीं दिया उनको और सरकार गलत फहमी अपने दिमाग से बचा कहा थे वे ट्रैक्टर भी आई है और वे किसान भी आई है। नमस्कार, गांव का सिंह का स्वागत है। आपसे कुछ देर पहले संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सिंघू बॉर्डर पे, और जो कल 26 जनवरी को जो घटना हुई है, लाल किले झंडा फहराया गया है, जो हिंसा हुई उसके लिए उन्होंने न सिर्फ खेद जताया है बल्कि देश से की कॉल इनकी थी, इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें इसका अफसोस है और इसके इसका प्रायश्चित के लिए वो 30 जनवरी को जो कि गांधी जी की पुण्यतिथि होती है उस दिन वो एक दिन का उपवास रखेंगे। उन्होंने ये कहा है कि ये कॉल हमारी नहीं थी, हमने गलती नहीं की, फिर भी हम इसकी माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि हमने ये हमारी कॉल पर ऐसा हुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि 1 फरवरी का जो कि 1 फरवरी जो संसद पूछ था वो उन्होंने स्थगित कर दिया है। इस पूरी साजिश के लिए उन्होंने 2 संगठनों को, इसमें भारतीय जो किसान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है पंजाब की, उसको दीप सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली पुलिस और सरकार ने मिलकर के किसानों को जो किसानों को लाठी लेकर भेजा ताकि वहाँ जाके हिंसा हो सके और इस आंदोलन को खत्म किया जा सके, इस तरह की साजिशें रची गई। हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहाँ बाधाएं खड़ी की गई, हर रूट में पुलिस ने लोगों को जिस जहाँ से हमने मुड़ना था हर जगह कहा कि सीधे जाओ दिल्ली में जाओ, नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया लेकिन खुद सबको लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा, लोग वहाँ गए, उन्होंने वहाँ जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। अब तो जो सारे देश के सामने जो उनकी मिलीभुगत की तस्वीरें हैं, दीप सिद्धू जो आरएसएस के हैं और वो अमित शाह मोदी के खास एजेंट हैं, उन्होंने वहां जाके ये सारा कार्य किया। हमारे साथियों ने कल बताया है उत्तराखंड के साथी जो लाल किले में जा रहे थे उनके साथ पुलिस वालों ने सेल्फी ली, डीसीपी आके उनको अंदर का रास्ता दिखा रहे थे और जैसा मेरे साथी ने पूछा इतने वक्त तक आप उस झंडे को रहने देते हैं, मतलब साफ है। और ये याद रखिए लाल किले में सिर्फ पुलिस नहीं रहती, लाल किले में फौज रहती है और उस सब के बावजूद ये हुआ, तो ये इसमें कोई बहुत गहरी चीज है जिसकी जांच होनी चाहिए। ये आंदोलन हम लोगों ने बहुत गहनता से सारे मसलों पर फैसला किया और हम मजबूती से इसको आगे ले जाएंगे, ये आश्वासन हम आपको देना चाहते हैं, देश के सारे किसानों को देना चाहते हैं। जब तक ये कानून वापस ना हो तब तक ये मजबूती पकड़ता जाएगा। साथे वॉलंटियर लाल किले के बाहर खड़े किया, लगातार बंदियां नु मोड़ते रहे, मैनु फेर को खबर आई है बिल्कुल एक की 50 बंदे है गए यार जेड़े लाल किले के भूए दे अगे बैठे आ, ट्रेड यूनियन का नाम ले रहे आ, कुछ होर भी झंडे आ, झंडा भी ताडा, मैं कहा जी इतने लखा झंडे बिकते आ, कोई भी साडा झंडा ला सकता।